रामपुर तिराहा कांड की तीसवीं बरसी पर हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून कचहरे स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आज के दिन को अनेक रूपों में मनाते हैं, क्योंकि अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पर चलने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का उद्घोष कर देश की सैन्य शक्ति को प्राथमिकता देने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी आज ही है। गांधी जयंती के अवसर पर नगर निगम ऋषिकेश में ध्वजारोहण किया गया। राजकीय जूनियर हाई स्कूल की बालिकाओं की ओर से रामधुन और सारे जहां से अच्छा गीत गाए गए। इस मौके पर उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। इस दौरान ऋषिकेश नगर आयुक्त शैलिन सिंह नेगी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दर्शन व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ ही स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर अपने विचार रखे। साथ ही सभी से इन महानुभावों की जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। इस मौके पर नगर निगम परिसर में सफाई और श्रमदान किया गया। हल्द्वानी क्षेत्र के अंतर्गत बेल बाबा मंदिर के पास एक हथनी को हरियाणा रोडवेज की बस टक्कर मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से चोटिल हो गई। चोटिल हथनी को देखकर सड़क पर हाथियों का झुंड इकट्ठा हो गया। वन अधिकारी और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है। उम्मीद है कि हथनी की देखभाल के लिए जल्दी उचित कदम उठाए जाएंगे। यह पूरा मामला तराई केंद्रीय वन विभाग का है। DFO UC तिवारी ने बताया कि हथनी को हरियाणा रोडवेज की बस से टक्कर लगी है। सुबह के समय हाथियों का झुंड सड़क पार कर रहा था कि अचानक से एक हथनी बस के सामने आ गई, जिससे उसे टक्कर लग गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। आज सुबह हल्द्वानी की तरफ से हरियाणा रोडवेज की एक बस आ रही थी और जो ड्राइवर ने बताया है उसके हिसाब से जब वो ये बैरियर से आगे बढ़े हैं तो उन्होंने तीन हाथियों को रोड क्रॉस करते हुए देखा। क्योंकि हाथी रोड क्रॉस कर चुके थे तो वो उनको लगा कि शायद अब चले गए, तो उन्होंने स्पीड कम नहीं करी। उधर से एक चौथा हाथी आया जिसको उन्होंने इंस्पेक्ट किया और उसको चोट लग गई। अभी देखने से लगता है कि हाथी को कोई गंभीर इंजरी हुई है, क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा है और घटनास्थल में पास में यहाँ पर वो लेटा हुआ है। नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खता इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात को करीब 12:30 बजे रावत नगर द्वितीय में रहने वाले गोविंद मेहता का अपनी पत्नी ललिता उम्र 38 साल से किसी बात पर विवाद हो गया था। आरोप है कि तभी गुस्से में गोविंद मेहता ने चुन्नी से पत्नी ललिता की गला घोटकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। के हस्बैंड वाइफ हैं, इनमें आपस में कुछ झगड़ा हुआ था ऐसा बताया गया। बाकी जांच का विषय भी चल रही है, उसमें जाएँ और फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पे है, वो मुआयना कर रहे हैं उस चीज़ का, सैंपल कलेक्शन हो रहा है और बाकी जल्दी बाकी डिटेल्स हमें मिल जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।